हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। और आज हम बना रहे हैं ये कुकर में, हम इसे कढ़ाई में नहीं तल रहे हैं, हम कुकर में बना रहे हैं। और थोड़ी रस या करी वाली बना रहे हैं, होपफुली अच्छी बनेगी क्योंकि आज है वर्किंग डे एंड वी हैव नो टाइम, बट वी वांट टू ईट इंडियन, सो वी थॉट चलो कुकर वाली सब्जी ट्राई करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, आई टुक हाफ अ गोभी बिकॉज अगेन दो लोगों के लिए हाफ गोभी बहुत है। बड़ी गोभी का हाफ गोभी, आई कट इट इंटू फ्लोरेट्स, वॉश्ड इट। आई टुक 3 मीडियम साइज पोटैटोज एंड आई स्टार्ट कटिंग देम ऑन द वे, ऑन द गो। ओके, सो आई टुक 1 मीडियम साइज्ड अनियन, रेड अनियन, एंड आई टुक 1.5 टमेटोज। और ये टमेटोज रोमा टमेटोज नहीं है, ये नॉर्मल देसी टाइप के टमाटर हैं जिसमें ज़्यादा रस होता है। और हमें मसालों में चाहिए यूजुअली जीरा, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनीथिंग एल्स। मैंने कुकर ऑन करके इसमें लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल अक्सर सब्जियों में बहुत अच्छा स्वाद देता है। इसमें अब मैं डालूंगी जीरा, एंड आई विल ऑल्सो यूज़ गार्लिक पेस्ट। I don't have time to cut the garlic in small, tiny garlic. So I'm just going to use the paste itself. So now I'm also going to have garlic paste ready. If you don't have garlic paste, you can have, you can cut a couple of cloves of garlic and be ready. अब मेरा जीरा अच्छे से fry हो गया है. Now I'll start adding onions. बिकॉज आई हैव नोटिस कि जब मैं गार्लिक पेस्ट डायरेक्ट डालती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की वजह से आवाज़ आती है एंड इट स्टार्ट स्टिकिंग टू द बेस। तो पहले जाएगा प्याज, प्याज से बहुत अच्छा स्वाद आता है, सो इफ़ यू शुड ट्राई इफ पॉसिबल कि आप प्याज काट के डाल दें। मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ा सा इसे भूनेंगे, आई होप यू कैन सी, थोड़ा सा भून के, जब भून जाएगा तब हम इसमें गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। मैं इसको तेज़ कर देती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए, बट मेक श्योर कि आप इसके आसपास ही रहें ताकि ये जले नहीं। अब जब तक प्याज भून रहा है मैं अपनी बाकी कटिंग कर रही हूँ, विच इज़ टमाटर। जैसे जैसे टाइम मिलता है मेक श्योर यू कीप वर्किंग ऑन वॉट एवर यू कैन, रफली चॉप्ड बिकॉज इट्स गोइंग इन द प्रेशर कुकर, करी अपने आप हो जाएगी। और आलू भी काट देती हूँ मैं। यू नो, हमारी मम्मी बोलती हैं कि कटिंग से बहुत स्वाद आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। हमने बहुत सारी सब्जियों में नोटिस किया है ये। I'm not being very precise because I'm trying to be as fast as possible. We also have to make chapatis with this. There you go. We are almost ready with all of our cutting. And let's check how our onions are doing meanwhile. Onions are coming very well. Ab main isme beech mein dal dungi garlic paste. गार्लिक पेस्ट आप डाल दीजिए लाइक 1 टीस्पून और सो। सो दिस इज़ माई स्पून अप्रॉक्सीमेशन। ये देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया, इसको मिक्स कर दीजिए। तब तक भूनिए जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए। मैं हाई पे कर रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और बस 1 मिनट के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। सो गाइज लेट मी शो यू, प्याज ठीक ठाक भुन गए हैं, पिंकिश हो गए हैं। इस समय मैं डाल दूंगी अपने टमाटर। अभी ये तो कुकर वाली सब्ज़ी है तो ऑलरेडी सीटी में सब कुछ पक ही जाएगा, लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा भी भून लेंगे तो तेल आपका अच्छा बाहर आ जाएगा और सब्ज़ी में स्वाद अच्छा आएगा। सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। अब ये है हमारा मेन मसाला, इसको भी मैं हाई पे पकाते रहूँगी एंड आई एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट सो दैट ये जल्दी पक जाए। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू ये कैसा दिखता है। देखिए ऑलमोस्ट हमारे तेल बाहर आने लगा है। इस समय हम डाल देंगे अपने मसाले, बेसिक मसाले जाते हैं हमारे यहाँ। थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, एक
चम्मच, एक छोटा चम्मच या डेढ़ चम्मच आप धनिया पाउडर डाल दीजिए, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार। मेक श्योर अगर आपने पहले ये लाल मिर्च यूज़ की हो, वरना कई बार काफ़ी तीखी होती है। और कभी कभार आप अपनी करी वाली सब्जियों में ये ट्राई कीजिए, इट्स कॉल्ड किचन किंग मसाला। कई ब्रांड्स बेचते हैं, यू कैन यूज़ एनी ब्रांड, एनी पॉपुलर ब्रांड किचन किंग मसाला। इसका काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गरम मसाला। तो इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, दैट्स अबाउट इट। एंड नाउ आप देखिए, अब हमारा तेल भी छूटने लगा है। इसको थोड़ी देर, मे बी अ फ्यू सेकेंड्स चलाएँगे और इसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी डाल दूँगी। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स नाउ। ओके, सो हार्डली 10-20 सेकेंड हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तेल भी अब मेरा बाहर आ रहा है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ ऑल ऑयल। एज ऑफ नाउ मैंने कोई पानी नहीं डाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए तेल छूट चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें हमारे कटे हुए आलू। ऑलवेज़ रिमेंबर, पहले वो सब्ज़ी डालिए जो ज़्यादा टाइम लगती है पकने में। और अगेन, घर में हमने ये सुना है कि पहले आप सब्ज़ियों को भून लें, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम। टाइम है तो आप कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट डाल दीजिए। ऑफ कोर्स टेस्ट वगैरह में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू हैव। तो अभी तो मैंने डाल दिया, आई विल जस्ट टेक अ फ्यू, मे बी अ मिनट और सो, एंड देन वी विल ऐड द गोबी। गाइज, इट्स बीन मे बी अ मिनट और सो। आप देखिए कि थोड़ा बहुत आलू में मसालों का कवर चढ़ चुका है। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बस इसी पे मैं अपनी गोभी डाल दूँगी। धुली हुई गोभी है, कुकर मेरा छोटा है, बट फिर भी पक जाएगी। गोभी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड द होल आइडिया इज़ प्रेशर कुकर है, सो इट शुड बी फास्ट। हमारे घरों में एक्चुअली सबको सूखी ही गोभी, ड्राई गोभी पसंद है, बट आज तो बिल्कुल टाइम नहीं था। Now see, I'm going to have a tough time even tossing this, but I will try a little by little, and I'll still be able to maneuver in this cooker. Okay guys, अब मैंने गोभी पे मसाले अच्छे से कोट कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, रिमेंबर हमने पहले बहुत कम नमक डाला था, अब मैं इसमें स्वाद अनुसार और नमक डाल दूँगी। एंड बीच में मैंने अपना धनिया भी काट के रेडी रख लिया है गार्निशिंग के लिए। और लगभग एक कप पानी हम डाल देंगे। प्रेशर कुकर में अक्सर पानी इवेपोरेट बहुत कम होता है, सो मोस्टली अगर एक कप है तो ये एक कप रहेगा, प्लस गोभी भी अपना खुद का भी रस छोड़ेगी। सो ऑल दैट, ये सब कुछ मिला के आई थिंक वी शुड हैव गुड करी टू ईट आर सब, आर रोटी और चावल, आप किसी के भी साथ ये खा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ डन। अब हम इसमें अपना कुकर बंद करके इसको लगभग मीडियम हाई पे एक सीटी लगा देंगे, दैट्स अबाउट इट। अब देखिए, अब हमारी सीटी आने वाली है, बस इसे एक सीटी के बाद हम ऑफ कर देंगे। एंड बिकॉज दिस इज़ अ स्टोव टॉप, मैं कुकर यहीं पे छोड़ दूंगी और वो अपने ही भाप में और स्टोव की हीट से वो अपने आप पक जाएगा। सो इट्स जस्ट अबाउट टू कम, एंड वी विल जस्ट स्विच दिस ऑफ एज सून एज इट कम्स। ओके गाइस, हमारी सीटी निकल चुकी है और इसी बीच हमने रोटी बना दी है। लेट्स सी अब हमारी सब्जी के क्या हाल है। देयर यू गो, 100% सब्जी पक चुकी है। एंड इफ़ यू नोटिस, ये तरी में तेल भी आ गया है हमारा ऊपर, विच इज़ अ गुड साइन। अब इसको चेक करते हैं कि भाई पकी है कि नहीं पकी है। वी विल ब्रेक वन आलू, आलू ऑलरेडी ब्रेक कर रहे हैं। सो गाइज, और कुकर की सब्ज़ी में आप ध्यान रखिए कि आप करछी अपनी बहुत स्लोली चलाइए, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ ना ब्रेक हो जाएंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर कॉशियस। अब मैं इसे परोसूंगी, एंड रिमेंबर हमारी लगभग हाफ या 60% कुकर भर के सब्जी बन गई है सिर्फ 2 चम्मच तेल में। ऑब्वियसली इसमें अगर आप ज़्यादा तेल या घी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल टेस्ट बेटर, बट दिस इज़ हेल्दी इनफ। सो गाइज, आप इसको गार्निश कीजिए हरे धनिए से, ये बहुत स्वाद लगेगी।
And like I was suggesting, this is a very healthy recipe, very quick and instant. Isko aap roti ya rice ke saath kha sakte. We prefer having it with roti. And I haven't added any ghee or any extra oil on top of it. So I hope you enjoy this dish, this instant aloo gobi dish. Low carb and quite delicious, quite easy to make. Please give us your comments for what else you would like to see, and thank you for watching.